हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्टडी विथ आकाश, और मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, रूल नंबर 3 हमसे क्या कहता था वो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ चुका है। ठीक है, अब हम उसे एक्सपेरिमेंटली करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं कि रूल नंबर 3 हमसे क्या कहता है। ठीक है, रूल नंबर 3 हमसे कहता है आईपीएससी नोमेनक्लेचर का, जैसा कि आप लोग अपने सामने ये स्क्रीन पे एग्जांपल देख रहे होंगे, एग्जांपल जो आपके सामने ये बना हुआ है, अगर ये कार्नर पे, सभी जगह कार्नर पे कार्बन लगा हुआ है, और ये मैं ये वही सेम एग्जांपल लिया हूँ जो थ्योरेटिकल एग्जांपल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इस एग्जांपल में ये देखें, हम लोगों ने इसको प्रिंसिपल चेन माना था, इसको प्रिंसिपल चेन माना था, और जब हम लोगों ने इसको प्रिंसिपल चेन मान लिया था तो बाकी बचे हुए जितने भी थे वो सब्स्टिट्यूएंट बन गए थे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल चेन के अलावा जो भी जितने भी बचते हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का काम क्या है, कोई काम नहीं, मेन काम तो हम लोगों का प्रिंसिपल चेन से रहता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल चेन में हम लोग नंबरिंग क्यों, हम लोगों ने इसे प्रिंसिपल चेन माना क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर्स ऑफ कार्बन ज्यादा है, प्लस सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, और इससे ज्यादा लॉन्ग चेन कोई नहीं है। ठीक है, तो इसकी हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा पड़े, ज्यादा मिलेगा, पास में मिलेगा, उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग करने के लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं किधर से नंबरिंग इसको करेंगे। नंबरिंग हम लोग करेंगे यहां से, क्यों, क्योंकि हमें इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 4 नंबर पर हमें मिल रहा है, ये बड़ा सा ग्रुप ब्रांचिंग है इसमें, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें ब्रांचिंग है। हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग सबसे पहले बाहर बना लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, इस कार्बन से ये प्रिंसिपल चेन में जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया इसके पास 3 कार्बन और ये 4th कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन इसके पास है, इस कार्बन से ये कार्बन नहीं, ये इसका फ्री वैलेंसी है जिससे ये प्रिंसिपल चेन में अटैच है। ठीक है, ये आपका बाहर आ गया, ये टोटल आ गया आपका सब्स्टिट्यूएंट बाहर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, प्लस इसमें ब्रांचिंग है। अब हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। इसका नोमेनक्लेचर हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो ये, पहला अगर हम लोग सीधा सीधा करना चाहें तो ये कौन सा कार्बन है, मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी कार्बन पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग तो इसमें ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इसकी फ्री वैलेंसी है, 3 कार्बन से जुड़ा होने के कारण ये हो जाएगा टर्शियरी कार्बन। ठीक है, पहला नोमेनक्लेचर तो इसका ये हो गया। अब दूसरा नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है, इधर देखिए, जैसे दूसरा नोमेनक्लेचर हम लोग अगर यही सेम बना लेते हैं, दूसरा नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग इस फ्री वैलेंसी को एक बार इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसमें प्रिंसिपल चेन आईपीसी नोमेनक्लेचर की तरह ही इसमें भी प्रिंसिपल चेन अगर छांटे तो हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हमें कितने कार्बन की मिल सकती है, 3 कार्बन की, लेकिन वो गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये फ्री वैलेंसी, जो जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी रहती है उस कार्बन को हमें प्रिंसिपल चेन में इन्वॉल्व करना रहता है, तो उसको अगर वहां से हम शुरू करते हैं तो हमें कहीं से भी काउंट करें तो हमें 2 ही कार्बन मिलेंगे, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो हम लोग कोई भी ले लेते हैं, कोई सा भी एक सीधा सीधा ले लेते हैं, ये प्रिंसिपल चेन मान लीजिए अगर हो जाता है, इसको हम लोग 1 नंबर देते हैं, इसको अगर 2 नंबर देते हैं, तो ये हमारे क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये 1 नंबर पे मिथाइल, तो 1 1, क्योंकि 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन है तो 8, और ये चूंकि फ्री वैलेंसी इसके पास है, फ्री वैलेंसी है, तो इसमें क्या जुड़ेगा, इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर हो गया, हम लोग इसका 2 नाम लिखे, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, डाइमिथाइल इथाइल, और टर्सियरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल, टर्सियरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये उसका सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल चेन में आईपीसी नोमेनक्लेचर करने में रख सकते हैं। इसका तो आप लोग जानते होंगे, 2 कार्बन का एथ और इल जुड़ जाएगा तो एथिल। ठीक है, तो इसका जाहिर सी बात है इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कर भी चुके हैं, और एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, 4 नंबर पे हमें क्या मिला था, टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 नंबर पे हमें मिला टर्शियरी ब्यूटाइल, प्लस 5 नंबर, ये यहाँ पे हम लोग 5 6 7 8, ठीक है, 5 नंबर पे हमें इथाइल मिल रहा है, तो 5 नंबर पे इथाइल हमने लिख दिया। 8 कार्बन की चेन है, तो 8 कार्बन के एल्क के बारे में मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं, 8 कार्बन का एल्क क्या होता है, ऑक्ट होता है, और इसमें चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसमें जुड़ जाएगा एन, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इन या आइन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा जुड़ गया ऑक्टेन, इसका पूरा नाम क्या हो गया, 4 ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, ये इसका अलग नोमेनक्लेचर हो गया ना, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, 5 इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, ये हो गया आपका इस पूरे टोटल कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल चेन का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर।
ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।